सतश्रीकाल दोस्तों, की हाल है? ठीक ठाक हो दोस्तों? मैं सुबह सुबह अपने दोस्त का एक व्हाट्सएप देखिया, जिदे दे विच मेरी फोटो ते एक FIR दी फोटो सी। ते जो मैं वो, क्योंकि मैं सुत्ता पे उठिया सी, अजे उठिया ही है, 5-7 मिनट होए हैं। और जो मैं उठा तो मैं उन्होंने गौर नाल वेख्या उस FIR नूं, तो उहदा ते लिखा सी शिवराज सिंह ढिल्लों। तो मैं पढ़िया उन्होंने गौर नाल, फिर उत्ते लिखा सी कमेंट की किन्ना घटिया राजा बड़ेंग। इहदी सोच वेखो कि पालन करन वाले ते भी परचा दवाता, जड़ियाँ हदायतां पालन करन वाले ते भी, कानून दियाँ हदायतां पालन करन वाले ते भी परचा देता। मैनू लगता वो सरदार हरदीप सिंह डिंपी ढिल्लों दे फादर दा भोग दी गल कर रहे, जिन्हां दी पिछले दिनी मौत हो गई। मैनू उन्हां दी मौत दे बेहद अफसोस है, कि कोई से भी बुजुर्ग का चले जाना और किसी के भी बाप का चले जाना बेहद दुखदाई घटना है, माड़ी गल है। परमात्मा हरेक दे पिता नू, दुश्मन दे पिता नू भी, मां प्यो नू, परिवार वाले नू तंदुरुस्ती देवे। और बुजुर्गों नाल तां किसी का कोई रौला नहीं। हाँ, मेरा रौला हो सकता है डिंपी ढिल्लों जी हराना, मतभेद हो सकते हैं, लेकिन बेहद उन्हां दे जान दा अफसोस है। पहला तो मैं कामना करदा कि उन्हां नूं चढ़दी कला परमात्मा उन्हां नूं आपदे चरणां विच निवास बख्शे, पिछे परिवार नूं भाणा मन्नण दा बल बख्शे। रही गल परचे दी, की सियासत है मैनूं समझ नहीं आई, मैनूं हुणे हुणे पता लग गया, उन्हूं मैं घोख लूँगा, पड़ताल लूँगा, पता लग जूगा। पर मैं नाल दी नाल SHO नूं फोन किया सी, अंग्रेज सिंह। तो अंग्रेज सिंह ने मैनूं कहा कि मैं किनूं पुछया सी परचा जां किसे ने दस्या। मैं क्या बेहद माड़ी गल कीती? कहिंदा हाँ जी, भी परचा होया जी। और मैं क्या क्यों किया गया? कहिंदा SSP साहब ने कहा तां किया गया। रोजाना असीं भोगां ते वी जांदे हां, नियमां दियां उलंघना लोग करदे, लेकिन इहदा मतलब यह नहीं है कि किसी के भोग ते बैठे लोगों ते परचा दे दिता जावे जां उन्हां दे। मैं ऐसी घटिया हरकत ना कीती है, ना मैं कदे करदा। बेशक मैं मंडी बोर्ड मार्केट कमेटी का फंक्शन किया सी, जिथे मेरे ते मेरे खिलाफ अकाली दल आलिया ने, मेरे भरावां ने मेरे खिलाफ हाई कोर्ट च चले गए सी, भी इन्हां दे परचा दिता जावे, जदों संसार सिंह मल्लन नूं बिठाया कुर्सी ते। लेकिन यार, इहो जिहियां गंदियां हरकतां राजा वड़िंग नहीं कर सकता। मैं आपदी माँ दा दुध चुंगिया, जे मेरे किसी नाल मतभेद है जां मेरी बरखिलाफी, मैं जिंदगी च जानदा निभाउणा ते करना, लेकिन इहो जिहियां घटिया हरकत राजा वड़िंग ने ना कीती है ते ना करने जानदा, ते ना कदे करा, क्योंकि मैं लड़ाई लड़दा बंदे नाल, किसी दे माँ प्यो दी आड़ चाके मैं जिंदगी च कदे लड़ाई नहीं लड़ी, जां इहो जिहे भोगां ते समागमां ते इहो जिहियां कुछ ही हरकत करके लड़ाई नहीं लड़ी। सो मेरी मंग है मुख्यमंत्री पंजाब तों, ये जान बुझ के होया है। हो सकता अजकल पुलिस वाले भी मिले होंदे है भी परचा हो जाए, सिंफती लोग कहणगे राजा बड़ा माड़ा है, आप दी आप ही, इहदे च की गेम है, इहदा मैं हौली हौली पता करूँगा। लेकिन मेरी मंग है DGP पंजाब तो और मुख्यमंत्री पंजाब तो कि ये माड़ी घटना है, इहदे ते परचा तुरंत कैंसल होना चाहिए, ते नाल दी नाल SHO ते कार्रवाई होनी चाहिए है। बेशक वो चंगा SHO है, पर उन्हें हरकत माड़ी कीती, बहुत काबल वो SHO है,
लेकिन ये हरकत उन्हें माड़ी की है। असी वीयर ही कह भी आ फलानी थां ते परचा दे दिओ जां आ हो जे एरे ते परचा बनता तो दिंदे नहीं परचा। एंड एस एस पी ते भी कार्रवाई होनी चाहिए है मैडम ते कि जे तुसी परचा दे रहे हो किसी नाल सलाह कर लो किसी नाल गल कर लो। और पिंडां दे विच रोजाना भोग पै रहे तुसी इहदा मतलब भोग ते बंदे ते मरे ते परचा दे दोगे। मैं चाहवांगा कि एस एस पी मुक्तसर मैडम सूडर ते बेशक वह निहायत चंगे होन लेकिन इस गल का उन्होंने खमियाजा भुगतना चाहिए। तुरंत उन्होंने उन्होंने इतों बदल देना चाहिए उन्होंने कार्रवाई करनी चाहिए है और एस एच ओ ते कार्रवाई करनी चाहिए है जिन्हें भी पुलिस अफसर है तो परचा वापस लेना चाहिए बिकॉज जिहड़ी गल गलत है जिंदगी दी बेशक वह दुश्मन नाल हुई होवे वह गलत गल है। सो ये बेहद गलत गल की है कि किसी ने भी इस तरह की हरकत की है जानबूझ के की है किसी नाल मिल के की है राजे वड़िंग की छवि नीचा विछा विखाउण वास्ते की है। मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। सो मैं माफ़ी चाहना परिवार वालों तो जिन्होंने ये गल जिन्हों लगी जा मैनू नहीं पता ये राज की है मगर ये वो जानते हैं जा, जे उन्हों का नहीं इस ये पुलिस वाले जानते जा मेरे मेरे मैं प्यार करने वाले जानते जिन्होंने जेडे खिलाफ चलते मेरे पर मैं इस गल की माफ़ी मंगदा बतौर एम एल ए होने के नाते क्योंकि गिदड़बाच जिहड़ी भी गल होंदी है वह राजे वड़िंग आ जाती है किसी का कोई भी उन्नीक ही हो जाए वह कहे राजे वड़िंग ने कराया। सो ना मैं यहोजी कदे हरकत घटिया की है। मैनू तो इन गालां मेरी माँ मेरे बाप मेरे परिवार के खिलाफ बोलदियां नूं मैं कदे फिर भी कानूनी का उहदे ते हरकत नहीं की। इस गल ते गंदी राजनीति राजा वड़िंग नहीं कदे करता इहोजी गंदी नहीं किया। मैं पहला भी किया जिन्ना चिर लड़ांगे हिक दे जोर ते लड़ांगे ते लड़दे रहांगे पर किसी का भी बाप किसी की भी माँ किसी की भी धी का असीं सत्कार करते हैं तो हमेशा सत्कार करते रहोंगे क्योंकि दुश्मन की धी थोड़ी धी है तो दुश्मन की बाप भी थोड़ा बाप है। सो ये सच्चे पातशाह सुबह सुबह का वेला है गुरु ग्रंथ साहब महाराज मैं इस गल पिछे कदे भी किते भी जाके आपकी सफाई देने वास्ते खड़ा होके किते भी गुरुद्वारे मंदिर मस्जिद किते भी जाके खड़ा होना से इस गल की सफाई देना। डेरे वाले संत मलकाने वाले मनते हैं मैं भी जाना उत्थे बेचारे ये मनते कई लोग असी भी उन्हां दी महिमा करते हैं संतां दी पिछे उन्हां दा सुरगवास भी हो गया बेचारियां दा। मेरे कहना मतलब किते भी सैटिस्फाइड होवे सैटिस्फैक्शन होवे इस गल की कि इस परचे बारे राजे वड़िंग नूं राजे वड़िंग दे परिवार नूं किसी चीज़ का कोई इलम हो परमात्मा इस दुनिया तो मुक्ति दवा दे। इस करके गुस्सा लग्या कि ये मेरी छवि ठेस पहुँचाने की गल की चाहे वह पुलिस ने की चाहे मेरे किसी शुभ चिंतक ने की चाहे किसी प्लैनिंग का हिस्सा है पर मैं ये काम नहीं करता। और मैं बजुर्गों सरदार शिवराज सिंह जी शरदा के फुल भेट करते हैं सच्चे पातशाह उन्होंने आपके चरणों में निवास बख्शी पिछे परिवार को भाणा मनने का बल बख्शी क्योंकि लड़ांगे लड़दे रहांगे मतभेद होणगे लेकिन बाप ते माँ ते तियां तिहाणियां नाल या घरवालियां नाल सानूं साडियां माँ ने सिखाया सी पुत दुश्मनी जरूर पाली पर दुश्मन दियां परिवार तेरा परिवार है ये ध्यान रखी। सानूं दुध चुगाउण लगी साडी माँ ने यह गल सानू सिखाई सी ते असी उन्हूं पूरन जिंदगी भर रहिंदी ताकत तक रहिंदी शरीर च जान तक उन्हूं निभावांगे। बाकी दोबारा फिर ये गल तां माड़ी होई है मंग करूँगा पंजाब सरकार तो कि एस एस पी मैडम जे मैनू एस एच ओ ने कहा एस एच ओ कहिंदा कि परचा एस एस पी मैडम दे कहिंदे होए ते एस एस पी ते अपने एस एच ओ ते बिल्कुल बनदी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं डी जी पी साहब नूं भी बेनती करदा और ये भी प्रशासन नूं बेनती करदा कि किसी के भोग ते तुसीं आपदे उत्थे बंदे ला दिओ चार
पर किसी दे मौत दे भोग ते लोगां ते परचा तुसी जदों तुसी करोंगे तो यह गल बेहद लोगों नूं बर्दाश्त नहीं होगी। नोडल ऑफिसर लाओ, दो बंदे लाओ ता जो उत्थे रश ना होवे, उत्थे भीड़ ना होवे। ते दोबारा फिर परिवार वाले तो माफ़ी, हाथ जोड़ के माफ़ी मंगना है, ना मंगी है ना मंगनी है कदे, बट इस गल लई मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मंगना, क्योंकि सरकार साड़ी है ते कांग्रेस दे राज होए ते जरूर इस गल दी पड़ताल करके की सियासत सी जनता दे सामने जल्दी लियावांगे। धन्यवाद, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग।